अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस होंडा सिटी 70 ड्रीम का। तो शुरू करते हैं इसका रिव्यू। तो पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं ये होंडा सिटी 70 ड्रीम है। ये होंडा ने सिटी 70 ड्रीम की न्यू शेप निकाली थी और ये 2018 का मॉडल है ये। और इसके अंदर 70 cc का, वही 70 cc का इंजन आता है। बस इसने इंजन के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशंस की हैं और नीचे कलर वगैरह चेंज किए हैं। तो इसके साथ आपको 4 इंडिकेटर जो हर बाइक के अंदर होते हैं वो इंडिकेटर्स मिलेंगे। साथ आपको एक पीछे है ये रिफ्लेक्टर मिलेगा, आपको पीछे एक रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। इसका थोड़ा जो सिटी 70 है होंडा वालों ने इसका थोड़ा सा पिक अच्छा कर दिया बस। और इसके अंदर आपको मिलेगा LED लैंप, पहले LED लैम्प नहीं आता, पर इसके साथ आपको LED लैम्प मिलेगा। और साथ इसको आपको इसके साथ एक फोग लाइट मिलेगी साथ यहाँ पे। और इस वाली साइड पे आपको इसके रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे और साथ ये बहुत प्यारा सा एक गार्ड मिलेगा आपको रेड कलर के अंदर। यहाँ पे ब्लैक कलर की फिनिशिंग होगी और यहाँ आपको रिम मिल जाएंगे। रिम के अंदर कोई इतनी खास बात नहीं है। और यहाँ पर आपको ये गार्ड से जो ज़्यादा वो मिल जाएगा और साथ आपको ये रेन वगैरह के अंदर बचाने के लिए गार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे तो 70 ने कोई स्पेसिफिकेशन कुछ चेंज नहीं किया। बकाया यहाँ सिक्योरिटी का हुआ है कि यहाँ पे एक लॉक हो गया है। ये लॉक मतलब कि कोई तोड़ तो नहीं सकता, कभी भी ये लॉक नहीं टूट सकता। तो ये लॉक अगर चाबी अल्लाह ना करे अगर घूम गई तो फिर बाइक भी घूम गई समझें, क्योंकि ये लॉक बहुत ज़्यादा मजबूत है। साथ यहाँ पे आपको होंडा का मोनोग्राम मिल जाता है। शेप थोड़ी सी ना शेप चेंज कर, साथ यहाँ पे सीट की बात कर ली जाए तो सीट के अंदर इन्होंने बहुत प्यारी सीट रखी है। देखें बहुत सॉफ्ट सी सीट है। मगर यहाँ की बात करें, यहाँ तो नीचे हॉर्न का बटन दिया इन्होंने, बाद में इंडिकेटर का बटन आता है, बाद में हेडलाइट लो और स्टार लो और तेज़ का, यहाँ पे हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन आता है, यहाँ पे साथ क्लच आ जाता है। और इसके साथ आपको एक प्यारी सी ग्रिप देखने को मिल जाती है। बाद में इसके मीटर की बात कर ली जाए तो मीटर के अंदर आपको लेफ्ट साइड इंडिकेटर और राइट साइड इंडिकेटर की आपको लाइट्स मिल जाती हैं। अब हमें यहाँ पर सिटी 70 ड्रीम का मोनोग्राम मिल जाता है। और यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट चली या नहीं चली हमारी आगे वाली हेडलाइट, उसका ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे गियर्स निकले हैं कि नहीं गियर निकले हुए, उसका आपको ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ में आपको यहाँ पे 120 का ही आपको मिलता है। साथ ही गियर्स की स्पेसिफिकेशन भी की है 120 के मीटर के साथ। यहाँ पे किलोमीटर पर आर की रेटिंग और यहाँ किलोमीटर्स की रेटिंग। सो यहाँ सामने से इसको देख लें तो सामने इन्होंने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, सामने से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। बकाया यहाँ पे आपको एक प्यारी सी क्रोम, डार्क ग्रे क्रोम कलर की आपको कह सकते हैं ये ग्रिल मिलती है। बाद में यहाँ पे ब्लैक की फिनिशिंग, रेड की यहाँ पे फिनिशिंग, बाद में यहाँ पे इन्होंने ब्लैक कलर का गार्ड दिया हमें। बकाया ये साथ इसका एक बटन आता है आगे वाली LED कंट्रोल करने के लिए। बकाया साथ ये पाँव वगैरह रखने के लिए एक गार्ड मिलता है, ये जो कि बहुत सेफ है। बकाया एक आपको अब तो सीट 70 ने भी ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर देखें अगर आपको भी बाइक चला रहे हैं और आपका पाँव स्लिप हो जाए तो ब्रेक ना लगे एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए यहाँ ये लगाइए ताकि ब्रेक लग जाए टाइम पे। बकाया अगर आप इसकी एक राइड की बात कर ली जाए तो इसकी राइड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट तो नहीं करके दिखा सकता, बट इसकी साइड काफ़ी स्मूथ है। बकाया इसके अंदर एक मसला आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये देखें इसके अंदर अटकाया हुआ है फोम और यहाँ पे सिलिकॉन गन लगी हुई है, यहाँ पे करके बिल्कुल सिलिकॉन लगी हुई है यहाँ पे, आपको नज़र आई हो तो सिलिकॉन हमने लगाई हुई है। क्योंकि ये जो बाइक का मीटर है ना ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। आप भी लें बाइक यहाँ पे, यहाँ तो फोम डालें यहाँ तो सिलिकॉन लगाएं, वरना ये आपका मीटर कभी भी गिर सकता है, मतलब कि ये वाला गार्ड गिरेगा। बकाया नहीं करेगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो फिर दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। थैंक्स।